शहर के जिलाधिकारी द्वारा नागपुर शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक नागपुर म्यूनिसिपल व ग्राम पंचायत में। म्यूनिसिपल मतलब शहरी इलाके में केवल होजियरी और स्टेशनरी की दुकानें ही खुली रहेगी, तो ग्राम पंचायत परिसर में मॉल छोड़ बाकी सभी गतिविधियां शुरू रहेगी। लेकिन जिला अधिकारी द्वारा ऐसा ही बताया गया है कि दुकानदारों को अपनी दुकान आस्थापना खोलने के लिए अनुमति लेनी हो या नहीं, लेकिन आस्थापन अनुमति लेकर ही खोले, ऐसा नाग विदर्भ चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया इन्होंने कहा है। दोस्तों, कल रात तकरीबन 11 के आसपास नागपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने नागपुर रूरल के लिए ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नागपुर रूरल को उन्होंने दो भाग में बांटा है, एक नागपुर म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत। नागपुर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में मॉल, मार्केट, मार्केट प्लेसेस और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस ये चालू नहीं रहेंगे। उसके तहत, उनके ऑर्डर के तहत ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स, शॉप्स नेबरहुड कॉलोनी एंड शॉप इन सिंगल रेजिडेंशियल एरिया ये चालू रहेंगे। किसी भी लेन में पांच से अधिक दुकानें हैं तो उसमें जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें चालू रहेंगी। और जो ग्राम पंचायत एरिया है, ग्राम पंचायत एरिया में उन्होंने कहा है कि जो मॉल्स है उसको छोड़ के सारी एक्टिविटीज चालू रहेंगी, लेकिन अभी तक इसके लिए परमिशन लेना है कि नहीं लेना है उन्होंने कुछ उसमें बोला नहीं है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि परमिशन लेके अपनी दुकानें और व्यवसाय चालू करें। और आप सबसे, चेंबर ये भी अपील करता है कि आरोग्य सेतु ऐप आप और अपने सब एम्प्लॉयियों को आप डाउनलोड कराएं और उसका उपयोग करें। धन्यवाद।